Today I am going to show you small stool DIY. ये DIY में आपको कोई नेल और कोई स्क्रू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने लिया है एक स्क्वायर वुडन का पीस, मैंने लिए है 4 थर्मल प्रिंटर के लेबल रोल लिए हैं। ये बहुत हार्ड है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बैंड नहीं हो रहा। मैं सबके ऊपर येलो एक्रेलिक कलर से पेंट कर रही हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, और मेरा नाम है चारू। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैंने सबके ऊपर येलो कलर पेंट कर लिया है। वुडन पीस के ऊपर मैं पेंसिल से जो मुझे डिज़ाइन बनानी है वो ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने जो डिज़ाइन बनाई है उसके ऊपर मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर से आउटलाइन दे रही हूँ। ये पूरे DIY में आपको कहीं भी नेल स्क्रू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप भी घर पे ये DIY बना सकते हैं। ये DIY बहुत ही ईजी है। मैंने आउटलाइन फिनिश कर ली है और इसके अंदर अब मैं डिफरेंट एक्रेलिक कलर से फिलिंग कर रही हूँ। मैं अब बॉर्डर बना रही हूँ और 2 छोटे वाइट एक्रेलिक कलर से फ्लावर बना रही हूँ। अब मैं वार्निश का एक कोट उसके ऊपर लगा रही हूँ। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा शाइन करने लगेगा और अच्छा भी दिखेगा। अब मैं ग्लू गन की हेल्प से चारों लेबल के रोल को एज ए लेग फिक्स कर दूंगी, और मैंने ग्लू गन की हेल्प से चारों रोल को वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स कर लिया है। ये मेरा फाइनल रिवील है। ये स्मॉल स्टूल आप एज ए प्लांट स्टैंड यूज़ कर सकते हो, मंदिर में पूजा की थाली रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और ये मेरा छोटू सा स्टूल कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।